वेल सबसे पहले तो अभी आप सभी ने ट्रेलर देखा है एंड आई थिंक मुझे भी पर्सनली ट्रेलर बहुत पसंद आया. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. जैसा कि हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों को बताया, इट इज़ आई थिंक इज़ द फर्स्ट टाइम दैट सच अ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अटेम्प्टेड ऑन इंडियन वेब और आई वुड से इवन इंडियन इन इंडियन सिनेमा एट ऑल. Indian concept. This is the first content. Content wise, is content wise, yeah. So it's very interesting. I mean, you know, it's majorly the backdrop is weather manipulation, which sometimes you know can be a boon but can also be a bane. So you know, it as for us as actors, it really you know got us thinking, and I think that is exactly what audience ke ko bhi I think ye show sochne ke liye majboor karega, kyunki ek aisa concept hai jo pehle कभी अगर हम सुनते हैं कि वेदर मैनिपुलेशन हो सकता है और उसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन्स हो सकती हैं या फिर बहुत से यू नो लाइक सुनामीज एंड ऑल दैट, वो सब किया जा सकता है. तो यू नो इट्स काइंड ऑफ स्कैरी. यू नो राइट नाउ देयर इज़ नथिंग दैट इज़ बियॉन्ड यू नो ह्यूमन बींग्स एंड दैट इज़ काइंड ऑफ स्कैरी. वी आर प्लेइंग विद द नेचर एंड एज लॉन्ग एज इज़ बींग यूज फॉर द पॉजिटिव थिंग्स समटाइम्स आई थिंक इट्स ओके. बट I have always believed that one should not play with the nature. Well, I'm just very curious more than anything else. I'm very curious to see the audience's reaction क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट था और मुझे बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट ने इस स्क्रिप्ट ने इंटरेस्ट किया. And I am a curious person by nature. मुझे मैं देखना चाहती हूँ कि ऑडियंस का इसके लिए क्या रिएक्शन होगा. बट या ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस. आई रियली होप दैट द ऑडियंस लाइक्स इट. आई होप दैट दे लाइक एंड यू नो अप्रिशिएट द हार्ड वर्क दैट वी ऑल हैव पुट इन एज एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स आवर डायरेक्टर शौमिक सेन सर, जिन्होंने भी हम सभी ने बहुत मेहनत की. सो आई होप दैट पीपल लाइक इट. जी पहली बार जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहा हूँ मैं और चैलेंज हर किरदार चैलेंज होता है यार, तो ये भी चैलेंज था. और आई थिंक ट्रेलर लॉन्च हुआ है अब. आई थिंक कास्ट ने भी पहली बार ट्रेलर देखा है आज, तो हम हमारे भी एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से. yeah. बहुत अच्छा लग रहा है. yeah. तो हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. और ऑल इन ऑल आई थिंक सेटअप बढ़िया है. यू नो एक्टर्स बढ़िया है. Z5 तो आई मीन बात ही नहीं. आई मीन कैसे आई मीन यू डोंट हैव टू से मच अबाउट Z5. दे यू नो दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स. उनका काम बात करता है और तो बहुत एक्साइटेड है. बहुत बहुत ही यू नो अच्छा समय है एक्टर्स के लिए और हम बहुत खुश हैं कि हम लोग साथ हैं और ये प्रोजेक्ट साथ में किया है. अब चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, भूख की वजह से नहीं लेकिन नर्वसनेस की वजह से. एक हफ्ता बाकी है और लाइक सोनल सर, यू नो आई विश ऑल द हार्ड वर्क इज पेड ऑफ बाय एवरीबॉडी. यू नो वी पुट अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ बहुत दिल से और मेहनत से और लगन से काम किया है सबने और इंशाल्लाह हमें फल मिल जाए. ओके साथ ही में यू नो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने जीशो और प्रतीक में एक अलग सा बॉन्ड देखा है. जी. तो आप तीनों से जानना चाहेंगे कि यू नो किसका किसके साथ बॉन्ड स्ट्रांग रहा है. हम सब ऐसे ही तीनों सब चारों पांचों ऐसे ही हैं. सब तीनों के बॉन्ड तो बहुत अच्छे सब. हमारे प्रैंक्स हम पर बैकफायर कर सकते हैं. So that was that was a secret joke that was being shared sometime back. कि कुछ हम pranks कोशिश करते थे and eventually वो prank हमारे ऊपर ही हो जाता था. So yeah, बहुत जोर से. एक ही challenge था. नहीं हम सब ऐसे ही हैं सर. एक दूसरे की खिंचाई कर रही है, रोज खिंचाई होती रहती है. तो I think ये जरूरी होता है काम के साथ, मेहनत के साथ साथ, इतने तगड़ी मेहनत के साथ साथ थोड़े से लाइट मोमेंट्स ज़रूरी होते हैं. यू नो इट जस्ट कीप्स द एटमॉस्फेयर ब्राइटर एंड पॉजिटिव. ओके
Yeah, of course. Bombay is the hub of talent. You know, there are Bombay mein, from every corner of India, yahan pe talents aate hain every day, and they're trying their luck and their city of dreams. So people are trying. So web has given them a platform, and there are a lot of brilliant actors who have come up, and they're trying their luck, and they're going places. So I think, and I personally believe, 2 years, 3 years down the line, this will be the only platform which will be seen worldwide. And I can see my children are hooked to tabs and mobile phones. They're watching Peppa Pig and Tom and Jerry's on. They don't watch on television anymore. They're watching on tabs, and so that's the future. You can't help it. Absolutely. So and we have to go with the flow. And now, you know, if you speak for now, ab is waqt ke liye, aaj ki tarikh mein agar aap baat kare, jaise aap keh rahe the, Akshay Kumar saab ko bhi dabble karna hai web se. सारे बड़े एक्टर्स को डबल करना वेब से. वेस्ट के अगर वेस्ट में देखो आप तो कितने कितने एक्टर्स और कितने बड़े बड़े मशहूर कलाकार सब वेब कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं. यू नो एंड इट्स नॉट कि यार काम नहीं है तो वेब करना है, ऐसे नहीं. काम दोनों कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, वेब भी कर रहे हैं. तो इट्स अ वेरी वेरी हॉट मीडियम. अभी बहुत ही गर्म मीडियम है ये. कैसे कहते हैं, लोहा गर्म है, है ना. लोहा अभी गर्म है वेब का, तो स्ट्राइक कर लो और एक्टरों को भी स्ट्राइक कर लो. तो एक्टर भी एक्टिंग कर लेगा, एक्टर भी स्ट्राइक कर लेगा, फिर एक्टर भी. जी मेरा एक्सपीरियंस जो सबसे हमारा एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जो फ्लड्स आए थे मुंबई में. That was 2005. Yeah, so that. I was in school. Yeah, so. Oh, yeah. Yeah, I was not in Bombay at that time. But I was going to land in Bombay, so I kind of escaped it. Guys, I'm talking. So I kind of escaped it, but that is, I think, an incident जहाँ से मैंने बहुत लोगों की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं. And I think that, I mean, that just, shows the spirit of Mumbai, that how fast we bounced back. And it was beautiful to see how everyone helped each other, and people stayed over at other friends' houses, even at strangers' houses. I think it was beautiful. I wasn't there, but I think that has been the biggest catastrophe for Mumbai. Calcutta, we haven't seen what Bombay has seen, but yeah, वहाँ पे पहले तो थोड़ा बहुत बारिश होने से we have to stay at home because पानी बढ़ जाता था. But now things are different for last 5-7 years. So we haven't seen what Mumbai has seen, but yeah, this recently this funny which has really took a toll on Orissa mainly. We thought that it's going to be a big thing for Kolkata also, but thankfully it didn't strike Kolkata that much. And so recent times, I wouldn't say that there's something which is happening in Kolkata like this, which has happened in Bombay. It was very well organized. There was an article, I think, in the everything was New York absolutely Times, scheduled. That it was knew. Very, very well managed. Yeah. I think I'm gonna go with Sona, the same one. 2005. Yeah. I remember I was in school. It was a very stressful time. Yeah. और मेरे स्कूल में मुझे बहुत ये बहुत clearly याद है ये incident, क्योंकि मेरे स्कूल में एक बच्चा मर गया. Oh my God. एक हमारे स्कूल में because of the flood. वो गटर में वो क्या बोलते हैं उसको सख्त हिम इनटू द गटर, वो उसको खींच लिया गटर ने अंदर. तो ये मुझे बहुत क्लियरली याद है. यही आई थिंक दैट्स द आई वुड गो विद द सेम वन दैट वाज द मोस्ट इम्पैक्टफुल कैलामिटी. या एब्सोल्युटली टेरिफाइंग. वी वर अगर बच्चे में और अगर स्कूल में बच्चा मर जाए और तुम ही बच्चे हो तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ अफेक्ट दैट कैन हैव यू नो. सो या नो ही वाज ही वाज अ जूनियर. जूनियर था, बहुत बच्चा था वो यार. दो सेकेंड थर्ड ग्रेड में था वो. और मैं कितने साल का था, मैं 9 साल का था. मैं 9 साल में कितने थे, कौन से स्टैंडर्ड में?
नौ साल में छः सिक्स रनर और सेवन थर्ड फोर्थ हाँ नहीं तो तो मतलब एज मेरी नौ साल नौ दस साल फिफ्थ स्टैंडर्ड में फिफ्थ सिक्स फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में हाँ मैं स्कूल में नहीं नहीं आई एम जस्ट आई मीन तब तो मतलब मैं स्कूल में बाईस में गाइस स्काई फायर रिलीज हो रहा है जी फाइव पर ऑन 22nd ऑफ मे 22 मे 2019 प्लीज वॉच इट एंड प्लीज 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 give us your feedback and we yes. really hope you like it yes this is first of fingers a kind crossed in India any kind of content is a first of a kind so please do watch it and I'm sure the book which Arun Saab has written I think we have adapted to the T and obviously there are a few changes which we had to do because we are filming it and this is first of a kind and it's a sci-fi and we loved doing it and I'm Absolutely. Sure you're going to love watching it we hope you love watching it 22 May 2019 एक हफ्ते में प्लीज देखिएगा भूलिए मत एंजॉय कीजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच